हेलो दोस्तों, आपका पिजन स्पीड एंड टिप्स चैनल एग्जाम से स्वागत है। तो भाई आज हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला दिन है दोस्तों आज। और सुबह वाले पट्टे की हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। जैसे कोने में बैठा हुआ है कल्पना गलदुमा, घर का पट्टा दोस्तों ये, तो ये वाला पट्टा जो हम लोग ने पकड़ा हुआ था दोस्तों। ये सब पट्टे बड़े हो चुके हैं, ये सब दोस्तों घर के पक्के हो चुके हैं। एक ये है, एक ये है, ठीक है भाई। तो आज हम लोग उसकी ट्रेनिंग चालू करेंगे। और तो ये दोनों छोटे अभी ऊपर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और एक ये भी दोस्तों है। तो भाई इसको आज हम लोग सबसे पहले घर का पक्का करेंगे, इसको निकाल के हम लोग दोस्तों छतरे पर बैठा लेंगे कबूतरों के साथ अपने। तो भाई इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ बातें। तो भाई अगर आपको पट्टे की ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी है, तो भाई जब पट्टा आपका 3 कली से ज़्यादा का हो जाए, तब भाई आप इसको अपने अड्डे पर जो भी आपने बना रखा है आप बैठाते कबूतर को, वहाँ आप इसको बैठालना चालू करें, ताकि ये अपना एरिया देखे और पहचाने अपने एरिया को, ठीक है भाई। और भाई एक बताओ बता दूँ, और भाई अगर आपका पट्टा 3 कली से ज़्यादा का हो गया है और इसने आँख ही नहीं साफ़ करी है, तो भाई आप तब भी इसको ना बैठा लें। जब ये आँख साफ़ कर लेता तब भाई आप इसको बैठा लें, ठीक है। वरना कहीं गलती से ये उड़ गया तो भाई इसकी आँखें साफ़ होती नहीं है, तो भाई दूसरे का भी गिर सकता है, ठीक है भाई। तो चलिए पहले उसको निकाल के हम लोग ऊपर भेजते हैं। तो भाई ये हमारे गोला कबूतर है, हमने इनको ऊपर बैठा लिया है। उस वक्त जंगली कबूतर भी बैठा लगा हुआ है हम लोग ने। तो भाई हम लोग गोला कबूतर साथ अपने कबूतर पक्के करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उड़ जाते हैं तो अपना एक दो चक्कर लेकर तुरंत उतर भी आते हैं। आपके पास अगर गोला कबूतर हो तो भाई आप उन्हीं के साथ अपने कबूतर पक्के करें। अगर आपके पास गिरेबाज है तो उनके पास दोस्तों भागने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं गोले कबूतर साथ करता हूँ। चलिए भाई इनको पहले उड़ा के हम लोग थका लेंगे। पहले भाई आपको तुरंत नहीं बैठा देना, क्योंकि ये फड़कते रहते हैं अपना, देख सकते हो। एक चक्कर अभी लोग आके बैठ चुके हैं, अभी एक बार इनको और उड़ाएंगे, थका लेंगे दोस्तों पहले इनको, फिर भाई हम लोग पट्टा निकाल के बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए पहले इनको उड़ा देते हैं। दोस्तों मेरा भाई जा रहा है उड़ाने के लिए। भाई पहले इनको आपको थका लेना बिल्कुल, ठीक है। तो भाई बार बार उड़ते रहेंगे, और का पट्टा भी इनके साथ अगर उड़ गया दोस्तों किसी का गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उड़ा दिया है, दो दो या तीन बार दोस्तों पहले भी उड़ चुके हैं। देख सकते हो दोस्तों एक आ भी गया उड़ के। तो पक्के करने के लिए दोस्तों गोला कबूतर बेस्ट रहते हैं दोस्तों, मुझे लगता है। तो भाई जब तक ये लोग उड़ना, चलिए हम लोग पट्टा अपना निकाल लेते बाहर। हाँ तो भाई ये पट्टा देख सकते हैं, आपको इसकी आँखें मैं शॉक करा देता हूँ, देख सकते हो कितनी जान लगा रहा है छोड़ने के लिए। देख सकते हैं भाई इसने आँखें बिल्कुल साफ़ कर ली हैं। चलिए मैं आपको इसके ऊपर दिखा देता हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये चौथी गली अब निकाल रहा है, यहीं पर होगी दोस्तों भाई, देख सकते हो चौथी गली निकाल रहा है, देख रहे हो कितनी छोटी है, ठीक है भाई। 3 गली के हो चुका है, चलिए इसको छोड़ के ऊपर आप भेजते हैं हम लोग। दोस्तों एक दो बार ये छतरे पर जा चुका है, चलिए कोशिश करते हैं इसको भेजने की, देखते हैं जाता है कि नहीं अभी ये। देख सकते हो दोस्तों चला गया पहली बार में ये। दोस्तों हम लोग को दोस्तों इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। अभी इसको हम लोग को कम से कम एक हफ्ता भी दोस्तों खाली बैठालना है और नीचे बुलाना है, ठीक है। अगर ये नीचे आ भी जाए आपको, फिर आपको इसको अपने अड्डे भेज दें। और इसको छेड़ेंगे दोस्तों किसी और में गिरने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आप इसको पहले एक हफ्ता धूप में दोस्तों निकाल के बैठा लें, इसको तपाएँ, फिर आप इसको हल्की हल्की पड़के देना चालू करें। दोस्तों मैं वीडियो बना के आपसे ज़रूर शेयर करूँ जब इसको उड़ाऊँगा मैं। तो भाई हम लोग इस पट्टे को लगभग 1-1.5 घंटे दोस्तों ऐसे बैठे रहने देंगे। अगर भाई नीचे भी आ जाएगा तो हम लोग उसको डंडी मार के फिर से ऊपर बैठाएंगे, ताकि अपना पूरा एरिया अच्छे से देख सके, और बाई चांस उड़ जाए तो अपना उसको छतरा भी पहचान लेगा ऐसे बैठा रहेगा तो, ठीक है। अगर आपके पास ये छतरा नहीं तो आपका जैसा भी अड्डा है आप उस पर बैठा लें अपना कबूतर। अगर पास अड्डा नहीं है तो भाई ऊँची चीज़ आपके पास जो हो घर में, देख सकते हैं मेरे तो ये अंटियाँ बनी हुई है। पहले मैं जब ये अड्डा नहीं बांधा दोस्तों मैं यहीं से इसको पक्के करता था, इसको पर दोस्तों मैं बैठा देता था, ठीक है। अगर आपके पास अड्डा नहीं तो आपके घर पे अगर कोई भी ऊंची चीज़ है तो आप
अपने पट्ठों को वहां पे बैठा लें, और हो सके तो भाई अब इनको दोपहर में खोलें, क्योंकि दोपहर में भाई सबके कबूतर बंद रहते हैं। अगर आपका पट्ठा गलती से उड़ भी जाए दोस्तों, किसी का गिरने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, आप इसको दोपहर में खोल के पक्का करें। हम लोग दोस्तों अभी लगभग 4 बजे, अभी किसी कबूतर यहाँ पे खुले नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पक्का कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों को एक बात और बता दूँ, अगर हवा दोस्तों तेज़ चल रही हो आपकी तरफ, तो आप भाई अपने पट्ठों को बिल्कुल ऊपर ना बैठा लें, कहीं गलती से भाई उड़ गए चील के डर से, तो भाई हवा के कारण दोस्तों बह जाते हैं दोस्तों हवा, मेरे ऐसे 3-4 पट्ठे दोस्तों बह चुके हैं। ठीक है भाई, तो जैसे जैसे दोस्तों इसकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाएगी, मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, और दोस्तों जब मैं इसको उड़ाऊँगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बस यही भाई आपको छोटी जानकारी देनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अगर आप लोग ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना।